Hey everyone, welcome back to yet another tutorial video. My name is Pulkit Kudiwal and in this video you'll be seeing how I made this edit that is on your screens right now. So without wasting any more time, let's get right into it. So start में करते हैं. सबसे पहले मैं दिखाता हूँ sky image जो मैंने use करी थी from deviant art, not my stock image. I used a color balance, push some cyans and introduced some greens and yellows. तो उससे कलर थोड़ा मैंने चेंज किया था इमेज के अंदर. देन आई यूज द ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट टू डिक्रीज सम कॉन्ट्रास्ट, डिक्रीज सम ब्राइटनेस एंड इससे ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट डिक्रीज किया था. यू सैचुरेशन से मैंने सैचुरेशन थोड़ी कम करी थी ओवरऑल, क्योंकि आई डोंट वॉन्ट दैट मच सैचुरेशन इन माई इमेज. नेक्स्ट इमेज जो मैंने ली थी ये सिटी की इमेज थी. दिस वॉज फ्रॉम unsplash.com. अगर आप सर्च करोगे unsplash में मिल जाएगी. अगर मेरे को लिंक्स मिलते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. तो ये सिटी की जो इमेज है, सिटी की इमेज को मैंने फटाफट मास्क किया था. पहले सबसे पहले इसका स्काई मैंने रिमूव किया. मास्किंग के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी यूट्यूब में, यू कैन जस्ट सर्च मास्किंग ट्यूटोरियल्स एंड गेट देम. और उसके बाद मैंने एक सॉलिड कलर फिल, यहाँ से सॉलिड कलर यूज़ किया था ऑफ कलर, जो ऐसा कलर यूज़ किया था जो कि स्काई से थोड़ा मैच करता हो, क्योंकि स्काई में ये पीछे की तरफ एक सिलोवेट की इमेज की तरह दिखने वाला है, तो इतने सारे डिटेल्स दिखेंगे नहीं इस इमेज के अंदर, इसलिए मैंने इसके ऊपर ही सॉलिड कलर यूज़ किया था. एंड देन आई यूज द ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट, आई डिक्रीज द ब्राइटनेस, डिक्रीज द कॉन्ट्रास्ट. देन आई यूज अ नॉर्मल लेयर. नॉर्मल लेयर से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फॉग पेंट किया था, नथिंग सीरियस अबाउट इट. एंड देन आई एडिड अनदर स्टॉक इमेज. ये स्टॉक इमेज मेरे को ये सिर्फ पहाड़ों के लिए चाहिए थी बस, इसलिए मैंने एंड आई स्टार्टेड ब्लेंडिंग दिस स्टॉक इमेज. आई यूज द कलर बैलेंस. कलर बैलेंस से ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया था मैंने. एंड देन आई यूज कलरफिल. कलरफिल से सेम कॉन्सेप्ट हुई, मैं नॉर्मल पे रखा था इसको. एंड देन कलर मैंने कुछ बैकग्राउंड से रिलेटेड मिलता जुलता कलर चूज़ किया था ताकि बैकग्राउंड से ब्लेंडेड लगे. एंड देन फिल मैंने 54% ड्रॉप कर दी थी. देन आई यूज ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट, डिक्रीज द ब्राइटनेस, इंक्रीज द कॉन्ट्रास्ट, क्योंकि इस इमेज में कॉन्ट्रास्ट कम है और नाइट सीन में कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा होना चाहिए, तो मैंने कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस कम करी थी. अब देख सकते हो ब्लेंडेड लगने लग गया है इमेज को इमेज से. एंड देन आई यूज अनदर लेयर नॉर्मल लेयर, और मैंने फॉग थोड़ा आगे की तरफ भी पेंट कर दिया. ये भी स्मॉल फ्लो से मैंने पेंट किया है. फ्लो मैं हमेशा 9% के अराउंड रखता हूँ, तो आप वो देख लीजिए. दीज आर माई सेटिंग्स. एंड देन आई एडिड अनदर स्टॉक इमेज, क्विकली मास्क इट आउट. बहुत इसका मास्क में पूरी इमेज मेरे पास नहीं है. आई फाउंड इट समवेयर ऑन डेवियंट आर्ट इफ़ आई रिमेंबर. और इसका अगर लिंक मिलता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. ये आप ग्रास इमेज लिखेंगे, ग्रास स्टॉक इमेज आपको मिल जाएगी कहीं पे भी. देन आई यूज द कलर फिल टू रिमूव ऑल द कलर्स फ्रॉम दिस. एंड देन आई यूज द कलर बैलेंस टू ऐड द न्यू ग्रीन्स जो कि मेरे को चाहिए थे इस इमेज के लिए. देन आई यूज ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट टू डिक्रीज द ब्राइटनेस फ्रॉम दिस इमेज, क्योंकि फिर वही बात, डार्क इमेज है. एंड देन ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट से मैंने थोड़ी शेडोज यहाँ पेंट करी थी जो कि हट के लिए हैं, जो मैं फ्यूचर में ऐड करने वाला हूँ. देन आई एडिड फेंस हेयर. ये फेंस एक स्टॉक इमेज, ये भी डिवेंट आर्ट से डाउनलोडेड है. देन इस फेंस के सारी मैं आपको दिखा देता हूँ. सबसे पहले कलरफिल से मैंने इसको डार्क किया था, मतलब कलरलेस किया था. और याद से कलर ब्लेंडिंग मोड यूज़ कर लेना अगर आप कोई भी कलर रिमूव करना चाहते हो. जस्ट पिक एनी डार्क कलर एंड देन पुट दिस ऑन कलर मोड. तो जो भी डार्क कलर आप यूज़ करोगे वो कलर इसमें जो ओरिजिनल इमेज में उससे न्यूट्रल कर देगा उस इमेज, उस कलर को. देन यूज़ द ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट, डिक्रीज द ब्राइटनेस, डिक्रीज द कॉन्ट्रास्ट. एंड देन आई यूज इट ओवर विद द क्लिपिंग मास्क. देन विद ऑन द यू सैचुरेशन आई इंक्रीज द सैचुरेशन ऑफ द ग्रीन्स, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये वाले ग्रीन ज़्यादा सैचुरेटेड है और इसकी ग्रास वाले सैचुरेटेड नहीं है, इसलिए तो ये सैचुरेशन का. देन वी कोलैप्स द ग्रुप. एंड देन आई एडिड अनदर फेंस, सेम वैसे ही ब्लेंड किया है, तीनों सेम स्टेप हैं, कुछ खास नहीं है इसके अंदर. देन आगे बढ़ते हैं. ये मैंने पिक्साबे से हट डाउनलोड करी थी, pixabay.com. यू कैन गो ऑन pixabay.com एंड सर्च हट एंड यू विल फाइंड दिस इमेज. एंड देन आई एडिड ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट. तो ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट से मैंने ब्राइटनेस डिक्रीज की थी, अब तक तो गेस कर चुके हो गए. एंड देन आई यूज अनदर ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट टू डिक्रीज इवन मोर ब्राइटनेस, क्योंकि एक इसमें ब्राइटनेस -150 कर दी थी मैंने. एंड देन आई यूज अनदर कलर फिल टू मैच द कलर्स फ्रॉम द बैकग्राउंड. देन आई यूज एक्सपोजर की सिर्फ इस तरफ शेडोज रहे हैं, क्योंकि लाइटिंग इस तरफ से आ रही है फ्रॉम दिस पोजीशन. सो यहाँ पे एक्सपोजर इसलिए क्योंकि यहाँ पे शेडोज आएंगी अगर हाइलाइट्स यहाँ से आ रही हैं तो. एंड देन आई यूज कलरफिल. कलरफिल सॉलिड कलर से आता है, वापस बता देता हूँ. एंड देन ये मैंने डार्क कलर लिया था. डार्क कलर से मैंने इसको कलर थोड़ा चेंज किया था इसकी शेडोज़ का. एंड देन कर्व्स में मैंने थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट डालने की कोशिश की थी एंड हाइलाइट्स थोड़ी सी ड्रॉप करी थी, तो थोड़ा सा सटल चेंज है.
देन कलर डॉज की लेयर एंड आई पेंटेड सम ऑरेंजेस हेयर, क्योंकि मैं यहाँ पे एक मशाल लगाने वाला हूँ, एक टॉर्च लगाने वाला हूँ, इसलिए यहाँ पे ऑरेंज कलर मैंने पेंट किया कलर डॉज से। कलर डॉज फिल मैंने 81% यूज़ किया है ताकि ऐसा लगे कि यहाँ पे लाइट जो इमिट होके आ रही है टॉर्च से वो पूरी अच्छे से इस पर ग्लो कर रही है इस हट के ऊपर। देन आई यूज अनदर कर्व्स लेयर, डिक्रीज द मिड टोन्स फ्रॉम हेयर टू एड सम पंच टू द इमेज। देन ओवरऑल कलर बैलेंस मैंने एक और यूज़ किया, कलर बैलेंस का ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं है, सटल यूज़ है बहुत ज़्यादा। देन मैंने यहाँ से न्यू लेयर ली और उसको एडिट फिल पे जाके उसको ब्लैक किया, कम्प्लीटली ब्लैक, एंड देन आई पेंटेड दीज फ्लेम्स। अब ये कैसे पेंट की, इसके लिए आपको टैबलेट की ज़रूरत पड़ेगी, एंड इफ़ यू डोंट हैव टैबलेट नेवर माइंड, कोई बात नहीं, आप स्टॉक इमेजेस यूज़ कर सकते हो इसकी, ऐसी फ्लेम्स बनाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी वैसे। तो मैंने बस खुद को थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए, एज प्रैक्टिस मैंने बना ली थी, एंड देन आई यूज ग्रेडियंट मैप में मैंने इसको कलर दिया था, खैर छोड़ो। देन आई यूज अनदर स्टॉक इमेज, क्योंकि मुझे फ्लेम्स इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने फ्लेम की एक स्टॉक इमेज यूज़ करी, तो स्टॉक इमेज। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये जो मशाल टॉर्च जो भी है ये मैंने लगा दी, एंड देन आई ब्लेंडेड दिस विद द बैकग्राउंड, डिक्रीज द ब्राइटनेस, एंड देन आई एडेड अनदर कलर फिल, ऑरेंज कलर का कलर फिल, और हल्का सा यहाँ पे मैंने ब्रश से पेंट किया ऑन द मास्क, ताकि थोड़ा सा एक ग्लो वाला सेंस आ जाए यहाँ पे। एंड देन ऑन द नॉर्मल लेयर मैंने थोड़ा सा और ऑरेंज पेंट किया विद ओवरले, मैंने ओवरले से थोड़ा इसको और ब्राइट किया ऑरेंजेस को। देन आई एडेड दीज स्पार्क्स हेयर, स्पार्क्स, ये स्पार्क्स मैंने शायद गूगल से डाउनलोड किया था, आई डोंट रिमेंबर दैट, और इसको स्क्रीन से रिप्लेस किया बिकॉज दे वर ऑन अ ब्लैक बैकग्राउंड, सो आई रिप्लेस देम विद स्क्रीन ब्लेंडिंग मोड। एंड देन आई एडेड दिस वॉल वॉज फ्रॉम डेवियंट आर्ट, एंड देन आई एडेड कलर बैलेंस टू बैलेंस दोज कलर्स। कलर बैलेंस में आप देख लो, और साइंस की तरफ पुश किया था और ब्लूज़ की तरफ। कलर बैलेंस की सबसे बड़ी टिप ये है कि आप कभी भी कलर बैलेंस यूज़ करो तो आप बैकग्राउंड के कलर्स देख लो कि बैकग्राउंड में कौन से कलर्स सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, फिर उस कलर्स की तरफ आप पुश करो जो भी इमेज आपको ब्लेंड करनी है। देन यू सैचुरेशन से मैंने सैचुरेशन थोड़ी डिक्रीज करी थी यहाँ पे ब्लूज़ की, एंड देन कर्व्स से मैंने इसको थोड़ा सा डार्क किया था इमेज को, आई डोंट थिंक इट इज़ नोटिसेबल और नॉट। देन यू सैचुरेशन से मैंने ये ब्लूज़ जो है इधर इसको मैंने सैचुरेशन कम करी थी, एक सेकंड, साइंस की मैंने सैचुरेशन कम करी थी, सो दैट इज़ इट। एंड देन सॉलिड कलर ब्लू, ये मैंने पूरे ट्यूटोरियल में बता रखा है, सॉलिड कलर से मैं कलर चेंज कराया इसका और थोड़ा फेडेड लुक दिया नॉर्मल से, लास्ट ट्यूटोरियल में बताया था। एंड देन आई एडिड दिस हेयर स्ट्रैंड हेयर, ये फ्यूचर में आगे जाके अभी इस ट्यूटोरियल में देखना लड़की ऐड करूँगा, उसके लिए मैंने हेयर स्ट्रैंड्स ड्रॉ करे थे। देन ये शेडोज हॉर्स के लिए, देन आई डाउनलोडेड दिस स्टॉक इमेज, दिस वॉज फ्रॉम डेवियंट आर्ट, आई रिमेंबर दैट, एंड आई क्विकली मास्क्ड इट आउट यूजिंग द सिलेक्ट सब्जेक्ट, दैट इज़ माई फेवरेट सिलेक्टिंग टूल। देन कर्व से मैंने इसको डार्क किया, ब्लेंड होने लग गई थी इमेज, देन आई यूज द कलर बैलेंस टू चेंज द कलर्स बिकॉज ये बहुत ज़्यादा रेडिश थी, आई चेंज द कलर्स, आई पुश सम साइंस इन टू द इमेज एंड द ब्लूज इन टू द इमेज। देन आई यूज अनदर नॉर्मल लेयर कलर डॉज लेयर टू पेंट सम ऑरेंजेस, कलर डॉज इज माई फेवरेट कलर टू पेंट हाईलाइट्स, सो आई यूज द कलर डॉज एंड पेंट सम हाईलाइट्स ओवर टू द गर्ल एंड टू द एंड ऑन द हॉर्स। देन आई यूज अनदर लेयर, एक और लेयर मैंने यूज़ करी इससे नॉर्मल से मैंने थोड़ा सा पेंट किया ऑरेंजेस का, और ध्यान रखना क्लिप मास्क करके रखना, जो भी आप हाईलाइट्स या शेडोज पेंट करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो उसको क्लिप मास्क करके रखना उस लेयर के साथ जिस पे आपको पेंट करनी है, ताकि वो सिर्फ उसी लेयर को इफेक्ट करे। देन आई यूज अनदर लेयर कलर डॉज की, जिसमें मैंने थोड़े से स्काई का कलर पेंट किया है, आई यूज कलर डॉज अनदर लेयर ऑफ कलर डॉज टू पेंट सम स्काई कलर ऑन द हॉर्स। देन ये मैंने थोड़ा सा ग्लो ड्रॉ किया है यहाँ पे इसका आई के अंदर, तो कुछ नहीं है, सिर्फ ब्रश के स्ट्रोक्स हैं डिफरेंट कलर्स के, एंड देन ये स्मोक का थोड़ा सा ब्रश है तो रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये फिर मैंने अपना कलर ग्रेडिंग किया, कलर ग्रेडिंग कुछ खास नहीं थी, आई नो, बस कुछ नहीं, दो सॉलिड कलर्स हैं, एक दोनों को कलर डॉज पर डाला मैंने, एक में ब्लू कलर है और एक में येलो कलर है, और इन दोनों की फिल और ओपेसिटी मैंने ड्रॉप कर दी। ऑरेंजेस मैंने इस टॉर्च के लिए यूज़ करे, एंड द साइंस आई यूज फॉर द स्काई, दैट्स इट। एंड देन आई यूज सम ऑफ दीज कलर फिल्स टू एड दीज लाइट्स इन द बैकग्राउंड,
इतना रियलिस्टिक नहीं है मुझे पता है, बट सम हाउ इट विल वर्क ऑन इंस्टाग्राम. देन एक्सपोजर, आई इंक्रीज द एक्सपोजर ओवरऑल इमेज के अंदर, क्योंकि जनरली व्हेन वी स्विच टू द फोन इमेज गेट्स डार्कर. एंड देन आई एडिड दिस क्रो हेयर एंड दिस एंड आई ड्रॉ सम ड्यू सम शेडोज ऑफ द क्रो हेयर, यू कैन सी दैट. And then I used curves, midtones and highlights drop करके मैंने इसको blend किया. Then I used color dodge layer to paint some blues over to the left hand side of the crow. ऐसे मैंने overlay से यहाँ पर थोड़ा सा oranges paint किए और थोड़े से और sky का color यहाँ पर paint किया, just to blend the crow into the scene. Then I used another stock image of the crow. इस stock image में मैंने थोड़ा सा blur add किया है and then वही same color, sky का color paint किया normal layer पर, तो कुछ खास नहीं था इसके अंदर. curves से मैंने इसको dark किया image को by dropping the highlights and lifting up the shadows. Then I use the solid color fill to give it a fading look, as you can see. Then I added another stock image of a crow and quickly blended it. The same process, bus कलर इस बार डिफरेंट यूज़ किया है क्योंकि मेरे को यहाँ से ऑरेंज कलर जो यहाँ पे आएगा बस वो कलर चेंज किया और कुछ भी चेंज नहीं किया. सेम प्रोसेस है फेडिंग के लिए भी, कर्व्स यूज़ करते हैं. और फिर कलर लुकअप से मैंने फाइनल थोड़ा टच देना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मेरे को इमेज कंप्लीट दिखने लग गई थी. कलर लुकअप मैंने यूज़ करी थी फॉगी नाइट में फिल 40%. एंड देन आई यूज़ कर्व्स का आप सेटिंग्स देख सकते हो यहाँ पे. इस कर्व से मैंने थोड़ा सा पंच इमेज के अंदर डाला था, जस्ट अ सटल चेंज. देन आई यूज दिस ब्लैक लेयर. वॉट इज दिस ब्लैक लेयर? ये ब्लैक लेयर कुछ नहीं है, फिल्टर गैलरी के अंदर ग्लोइंग एजेस हैं जो कि मैंने पहले भी कई ट्यूटोरियल में बताया है. सारी लेयर्स को स्टैक करिए कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई प्रेस करके. देन वेट अ सेकेंड, देन गो टू फिल्टर गैलरी, गो टू द ग्लोइंग एजेस एंड देन प्रेस ओके. इट विल एड सम ग्लोइंग एजेस. और ग्लोइंग एजेस को इनको ब्लैक स्क्रीन को हटाने के लिए हम स्क्रीन का यूज़ करेंगे और थोड़े से ग्लो डालने के लिए एजेस के ऊपर, दिस इज़ क्रूशियल. फिर मैंने इसका इफेक्ट कम कर दिया विद फिल, कम फिल से, एंड एडिड दिस टू कलर डॉज. एंड देन सबसे लास्ट में सबसे फेवरेट मेरा कैमरा रॉ फिल्टर. कैमरा रॉ फिल्टर से मैंने कुछ कलर्स न्यूट्रल करे इसके इमेज के, क्योंकि इधर ग्रीन्स ब्लूज एंड ऑरेंजेस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली आ रहे थे, तो मैंने कलर्स को बिल्कुल एक ब्लू स्क्रीन दिए थोड़ी सी. देन आई यूज ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट टू इंक्रीज द ब्राइटनेस इन द स्काई. एडेड अ ग्रेडियंट मैप टू एड सम पिंक्स एंड सम डार्कनेस इन टू द राइट हैंड साइड ऑफ द स्काई. एंड देन फाइनली आई यूज अनदर कैमरा रॉ फिल्टर. कैमरा रॉ फिल्टर का पुराने ट्यूटोरियल देख सकते हो, सारे में कैमरा रॉ फिल्टर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है. तो दिस वॉज द रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट. एंड इफ यू लाइक द ट्यूटोरियल मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी या.